समाजवादी पार्टी के दक्षिण विधानसभा सीट से प्रत्याशी रहे एवं व्यापारी नेता विनय अग्रवाल ने कोरोना काल की वजह से बढ़ी महंगाई को लेकर सरकार से मांग की है कि सभी स्कूलों में बच्चों के लिए एनसीईआरटी के पाठ्यक्रम को लागू कराया जाए और बच्चों की स्कूल फीस में 50% की छूट दी जाए। कोरोना की मार के चलते लोगों पर रोजगार और व्यापार नहीं रहे, अभिभावक अपने बच्चों की फीस तक जमा नहीं कर पा रहे हैं। सभी स्कूलों में सरकार एनसीईआरटी का पाठ्यक्रम लागू करे, साथ ही स्कूल फीस में भी 50% की छूट प्रदान करे। जी हाँ, यह कहना है समाजवादी पार्टी के दक्षिण विधानसभा सीट से प्रत्याशी रहे व्यापारी नेता विनय अग्रवाल का। उन्होंने कहा कि सरकार को गरीब परिवारों की तो फीस माफ करनी ही चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार ने अगर इस तरफ ध्यान नहीं दिया तो हालात और भी खराब हो जाएंगे। जिस तरीके से 2 साल से कोरोना ने पूरे देश की स्थिति खराब कर रखी है, उसी तरीके से आगरा और उत्तर प्रदेश की स्थिति भी खराब है। कोरोना में लोगों के पास ना तो रोजगार रहे ना व्यापार रहे, और अब स्कूल की स्थितियां ऐसी हो गई हैं कि लोग बच्चों की फीस तक जमा नहीं कर पाए हैं। पिछले 2 सालों से फीस जमा नहीं कर पाए हैं, कुछ लोग तो अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पा रहे हैं क्योंकि तो स्कूल बगैर फीस के ना तो उनको पढ़ने दे रहे हैं ना उनको एग्ज़ाम देने दे रहे हैं, कुछ भी नहीं करने दे रहे हैं। इस स्थिति में लोग बड़े दुखी हैं और अब स्थिति ये हो गई है कि लगता है कि अनपढ़ों का रेशियो बढ़ जाएगा यदि सरकार ने समय रहते स्थिति नहीं संभाली। सरकार को आगे आना चाहिए, कम से कम सारे स्कूलों को ये एक निर्देश जाए, फीस में 50% की कटौती होनी चाहिए। डीजी महाराजा न्यूज के लिए देवेश दीक्षित की रिपोर्ट।